What's up, lovely peoples? Ki hal chal, sat sri akal. This is Sukhbir Singh, and you're watching Team with our Dream Guys. So today I'm back with my another vlog. So guys, आज का vlog में जो है एक बहुत ही beautiful machine है guys, जिसका आज मैं review करने वाला हूँ. Actually review मैं नहीं दूँगा, review देंगे उनका owner, जिन्होंने अभी वो machine को इतना I think 1000 किलोमीटर प्लस उसको राइड कर चुके हैं. राइड करने के बाद उनसे उनका एक बार रिव्यू लेंगे कि कैसा उनका रिव्यू है. तो एक बार मशीन पहले आपको दिखाते हैं गाइस, पहले सिनेमैटिक पे उसका पहले इन्जॉय करो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पे बताना कैसा लगा आप सबको. तो मशीन आप पीछे देख सकते हो, निंजा 650. तो चलो ज़्यादा अब आपका टाइम नहीं लेते हुए पहले इसका एक अच्छा सा सिनेमैटिक आपको पहले दिखाते हैं गाइस. सो स्टे ट्यून. करता हूँ आप सबको सिनेमैटिक बहुत ही अच्छा लगा होगा. और एक बात बता दूँ यार, ये जो ब्यूटीफुल मशीन आप देख रहे हो ना, इसका नाम है नियो. तो एक बार पलक भाई से पहले आपको मिला देते हैं. तो यहाँ पे है भाई. सो गाइस, भाई से एक बार पहले पूछ लेते हैं कि भाई ने इतना क्यूट सा नाम इस मशीन को दिया, उसका पीछे का रीज़न भी एक बार पूछना चाहते हैं. क्या रीज़न? बेसिकली इसका जो रीज़न है, बाइक का जो कि कलर है आप देख रहे हो ब्लैक एंड ग्रीन के ऊपर में, सो मैट्रिक्स मूवी जो आई हुई थी, सो नियो नेम इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवी मैट्रिक्स. उसके जो हीरो थे वो नियो थे. सो ऑन दैट बेसिस ग्रीन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने इसका नाम नियो रखा हुआ है. इसके पहले मैंने ब्लैक पैंथर भी सोच के रखा था, लेकिन वो इतना लंबा था, नॉट एडजस्टेबल. सो नियो शॉर्ट एंड नियो क्यूट क्रिस्प नेम, एकदम छोटा सा बहुत ही प्यारा नाम है. तो चलो अब आगे भाई से पूछते हैं बाइक के बारे में कि इन्होंने इतना किलोमीटर इस पर कवर किया हुआ है, 1000 किलोमीटर प्लस किया कवर किया हुआ है. और उसके बाद भाई अभी हमारे साथ मंदारमनी राइड पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भाई भी आपको हमको मिलेंगे मेरे व्लॉग्स पे. तो चलो भाई के साथ एक बार बैठते हैं, अच्छे से बातें करते हैं और बाइक के बारे जानते हैं. सो पूछो क्या जानना है बाइक के बारे. सो गाइस, सो आप मुझे बाइक के बारे सबसे पहले ये बताओ, जैसे कि सबका नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि बाइक का प्राइस, तो बाइक का प्राइस क्या है? देखो बाइक का प्राइस वेबसाइट्स वगैरह बहुत जगह पे बहुत कुछ तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑन रोड इसका मुझे इन टोटल 795,000 पड़ा है. उसके साथ में रेट्रो क्रॉस का इसमें कुछ एक्सेसरीज लगाया गया है जो नियर अबाउट और 14,000 या 15,000 का था. तो इन ऑल 8,15,000 मुझे ऑन रोड ये बाइक पड़ गया, जिसमें से इसका एक शोरूम प्राइस 6,68,000 है, 95,000 का RTO है, जिसमें नंबर प्लेट वगैरह बहुत कुछ है, और इंश्योरेंस ICICI लॉम्बार्ड का मिला हुआ है मुझे, उसमें नियर अबाउट 32,000 के आसपास का इसका खर्चा आया था. तो ये है एक्चुअल फिगर्स. वेबसाइट्स वगैरह पे क्या है मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जब एक्चुअल लेने के लिए जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या है इस पे, कितना प्राइस क्या लगता है.
सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो भाई ने, मैंने बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही अच्छा आप सबको बताया। और ये बात सही है कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप इस बाइक का पता करते हो प्राइसिंग वगैरह, तो वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को डिफरेंस मिल जाता है, और शोरूम जाने के बाद एक बहुत ह्यूज एक डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस मिलेगा। हाँ, वो तो है। साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई इसको फाइनेंस करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो फाइनेंस करवाने पे तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा जो ITR फाइल है, ITR फाइल में 4 लाख प्लस बैलेंस तुम्हारा होना चाहिए, तो ये बाइक आप फाइनेंस करवा पाओगे। साथ ही साथ इसका डाउन पेमेंट नियर अबाउट 2,50,000 या 2,20,000 के आसपास का आपका डाउन पेमेंट आपको मान करके चलना है, तभी आप ये बाइक ले पाओगे, वरना उससे नीचे में जो भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर में। और बाइक का सर्विसिंग कॉस्ट, जैसे कि सबका नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि इस पे सर्विस कॉस्ट इसका क्या आने वाला है? सर्विस कराने के टाइम पे एक जो प्रॉब्लम है, वो दुकानदार है, वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिक्री हो, जितना ज़्यादा उसका प्रोडक्ट सेल आउट होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ये आपके ऊपर में, आप अपना सर्विस का कॉस्ट कितना कम करा सकते हो। मेरा इसका सर्विस का कॉस्ट पड़ा 6,890 रुपीज़। वो कम इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने वॉश नहीं करवाया पहला, और बहुत कुछ वो अपने तरफ से लुब्रिकेंट्स वगैरह बहुत कुछ दे रहे थे जो कि मैंने परचेज नहीं किया। मैंने बोल दिया मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो ऐडअप कर देंगे आपके पास में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप सर्विस करवाने के लिए जाते हो, तो एक्स्ट्रा वो जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो ना लें। अगर आपके पास में है तो फिर आप छूट मूट का परचेज करने के लिए क्यों जाओगे। तो ये एक जनरल नॉलेज मैंने आपको दिया कि सर्विस कॉस्ट किस तरह से कट ऑफ आपको करना है। लेकिन नियर अबाउट 7,000 का एक बजट फर्स्ट सर्विस में पकड़ के चलो, जिसमें आपका इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर फर्स्ट सर्विस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद भाई से यहाँ पे पूछ लेते हैं, भाई का ये बाइक का जो BHP होता है, वो BHP इसका भी क्या ये है? ये 68 BHP है एंड 64 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है पावर। ठीक है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो एंजॉय करता हूँ इसका चलाना। वो तो है। और बाइक का आपको चलाने के बाद, जैसे कि अभी आपने इसमें 1,000+ किलोमीटर्स पे कवर कर चुके हैं आप, राइड आपने कर लिया है, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा बाइक को लेके? बाइक्स में दो कंप्लेंट्स मैं पहले बताऊंगा डाउनफॉल इसका। फर्स्ट इसका ग्राउंड क्लियरेंस, चूँकि अंडरबेली एग्जॉस्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका। सो और हम लोग के इधर लोकल रोड्स में बम्पर तो होते नहीं। सही बात है। वो बम्पर इतने हाइट के होते कि छोटा मोटा पहाड़ निकल जाए, राइट? सही बात है। तो वो अंडर पे उसका लगने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। और दूसरा इसका जो है, इसका टायर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं पड़े। इतना अगर हाई स्पीड अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हो या फिर दे रहे हो, डनलॉप के टायर्स आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर मैचलिन या फिर MRF के भी अगर दिए होते तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता, इसको कॉर्नरिंग करने में वगैरह वगैरह में बहुत चीज़ में कॉन्फिडेंस आता। तो ये दो बस फ्लॉज है। और बाकी इस बाइक को लेने के पीछे में सबसे मेन रीज़न है इसका एग्रोनॉमिक्स, यानी कि चलाने का पॉस्चर। मैं स्ट्रेट बैठता हूँ इसके ऊपर में, जैसे कि भाई को देख सकते हो, भाई बहुत ही कंफर्ट के साथ एकदम बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, एकदम स्ट्रेट, एकदम लीन नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ता है। अगर आप पुल करना चाहते हो बाइक को 130 अबव अगर ले जाना चाहते हो, तो बॉडी को डिक्लाइन कर दो अपने इसके, इस तरह से आप पिकअप आप टान पाओगे। लेकिन हाँ, इसका चलाने का कंफर्ट इतना अच्छा है कि मैं इसके ऊपर फिदा हुआ था बस उसी को लेकर के। और गाइस जैसे आप देख ही पा रहे हो अभी यहाँ पे बाइक आपके सामने है, वाकई यार बाइक का जो फेस है, फेस बहुत ही क्यूट है, थोड़ा सा 6R वाला फील आता है इसको देख के फेस से। और ऑल दो बाइक बहुत अच्छा है, बल्की है, चलाने में भी बहुत मज़ा आता है गाइस। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने जैसे आपको अभी सब कुछ बता दिया, MI एंड ऑल सब कुछ, सर्विस वगैरह ये सब कुछ आपको बता ही दिया बाइक के बारे में। और भी अगर कोई आपका क्वेरीज होगा तो आप हमारे इस वीडियो पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट करके बोलो भाई हैं हमारे साथ, कभी भी आपको कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी ये हो, डेफिनेटली एकदम आपको उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा कमेंट में। बहुत जल्दी मेरा भी YouTube आने वाला है, सो कीप फॉलोइंग हिम आल्सो एंड मेरे भी थोड़े बढ़ा देना यार सब्सक्राइबर्स एकदम श्योर से। तो भाई का जो भी चैनल अभी आने वाला, शायद आपने चैनल उसको स्टार्ट कर लिया है? चैनल अभी स्टार्ट हो गया है, वीडियोज अभी नहीं आए हैं, जैसे वीडियोज आएगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो गाइस, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई का चैनल अभी, भाई ने उस पे वीडियोस अभी डालना शुरू नहीं किया है, बट चैनल क्रिएट हो चुका है, तो मैं चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ये करके रखो, भाई का फर्स्ट जब वीडियो आएगा तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना गाइस, जैसे आप मुझे देते हो, मेरे वीडियोस को देते हो। सो गाइस, अगर और भी कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और वहाँ पे है अपना वेनम, वेनम का भी आज वहाँ पे वीडियो हो रहा है जो कि आने वाला है ब्रजेश भाई के चैनल पे। तो भाई अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदारमनी, तो मंदारमनी का प्लान हो रहा है। तो चलो मिलते हैं अब आप सबसे सीधा नेक्स्ट वीक
संडे को। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल में न्यू हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और भाई का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई का चैनल का लिंक, तो वहाँ पर जाओ सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसको बेल आइकन है उसको भी ये कर प्रेस करके रखो। जब भी वीडियो आएगा आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद वीडियो को देखो, उस पर कमेंट करो। भाई का न्यू वीडियो होने वाला है, जो भी आप लोग को उस पर कमियाँ मिलेंगी, जो भी आपको जैसा भी आपका होगा ज़रूर से भाई को बताओ। ऑब्वियसली यार सब कोई सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो सीख सीख के हम लोग आगे जाते हैं। तो चलो गाइज मिलता है ऐसी किसी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून गाइज़।